हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ मॉक टेस्ट पेपर बेटे, नवंबर 24 एग्जाम्स, सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और नंबरिंग वाइज है MTP 1, मॉक टेस्ट पेपर 1। MTP 1 क्यों बोल रहा हूं, हर एग्जाम में 2 मॉक टेस्ट पेपर ICA पूछता है, ये फर्स्ट है अभी, और ये इन्होंने 9 सितंबर को पूछा है। एक MTP अक्टूबर में पूछेंगे, जब आ जाएगा तो वो डिस्कस कर लेंगे। RTP का वीडियो मैं आपको दे चुका हूं नवंबर 24 एग्जाम्स के लिए, MTP 1 का वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। और बच्चे के दिमाग में एक ही क्वेश्चन, सर इस MTP में कुछ पढ़ने लायक है क्या। तो बेटे इसमें ज्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, MCQ के अंदर भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, और मुझे इस पूरी MTP के अंदर एक लीज वाला क्वेश्चन बढ़िया लगा, बस एक INDIAS 116 का क्वेश्चन के हिसाब से आंसर छोटा है, क्वेश्चन बहुत लेंथी था, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग सकता है, आंसर बिल्कुल आसान है उसका, बाकी तो बेटे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। जहां मुझे डिट्टो क्वेश्चन नजर आ गया वहां पे मैं क्लास बुक की रेफरेंस देके आगे बढ़ जाऊंगा। कोई पुराना स्टडी मैट का क्वेश्चन है, पुराना RTP, पुराना MTP जो क्लास बुक में हमने पढ़ा हुआ है, तो उसको दोबारा पढ़ने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, मैं आपका टाइम वेस्ट क्यों करूं। एग्जाम के दिन चल रहे हैं आपके, तो जो काम की बात है बस वही निपटा लेते हैं। तो मैं MTP पे डिस्कशन स्टार्ट करता हूं बेटे। सारे बच्चों को पता है पेपर के 2 हिस्से हो गए हैं, 30 मार्क्स का आपका MCQ है, 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव है। पहले क्या होता था, 20-20 नंबर के 5 क्वेश्चन आते थे, काम खत्म। अब 70 मार्क्स में जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है आपका, वो 14x5 कर दिया इन्होंने, तो जो 20 मार्क्स का वेटेज होता था वो 14 पे आ गया, और जो इसमें से 6 नंबर एक क्वेश्चन में से निकाले इन्होंने, तो 6x5 30 मार्क्स के MCQ में डाल दिए। और MCQ आपको अच्छी तरह से पता है, एक ही क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल इंडियाज लग रहे होते हैं, मल्टीपल इंडियाज के हिसाब से आपको केस स्टडीज बताते हैं। हम शुरू करते हैं बेटे, ये हमारा पार्ट नंबर 1 है जिसमें ये केसेस बताएंगे 30 मार्क्स के, और कहते हैं ये कंपलसरी है, तो पीछा तो हमारा 70 मार्क्स से भी नहीं छूटना, पेपर तो सारा ही कंपलसरी है ना। और डिस्क्रिप्टिव में का तो ऑप्शन आ जाता है, उसका भी फायदा क्या लेना, हमने सारा पेपर आना चाहिए हमें। हम बात कर रहे हैं बेटे केस नंबर 1 की, ये पहला केस है जी, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं बेटे, सीधा शुरू करते हैं। जिंदल सर ये क्या लिखा हुआ आपने, मैं बताता हूं अभी, एक बार शुरू कर लेते हैं। ए लिमिटेड इज अ डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप, ऑपरेटिंग इन मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट्स, कई तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मल्टीनेशनल कंपनी है सर। इट मेंटेन्स इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड पब्लिशेज इट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर INDIAS। अगर INDIAS नहीं लगाती तो फाइनल में थोड़ा ना पढ़ रहे होते, इंटर में AS में लगा रहे होते हम। द फाइनेंस टीम हैज बीन वर्किंग ऑन क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्लोज करने एंड जनरेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द पीरियड एंडेड मार्च। पूरी कहानी सुनाई सर इसने हमें, सुना दी, हमने पढ़ ली। हमें जाना चाहिए सीधा केसेस में, ये हमारा केस नंबर 1 है, ये हमारा बेटे केस नंबर 1 है। और पता ये किस चीज पे है, ये है INDIAS 113, ये जो मैंने न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है ये 113 INDIAS का नाम है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 15 है, और ये पेज नंबर 124 है, और ये मॉड्यूल 6 में मिलेगा आपको, मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन MCQ में मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको MCQ तो मैं पूरे डिस्कस कर लेता हूं, अगर कोई लेंथी क्वेश्चन आ जाएगा वो क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर बता के आगे बढ़ जाऊंगा। चलो रिवाइज कर लेते, हमारा चाहे पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। तो ये फेयर वैल्यू मेजरमेंट का क्वेश्चन है INDIAS 113 का, आओ जरा। ए लिमिटेड ओन्स 250 ऑर्डिनरी शेयर इन X, मेरे पास 250 शेयर हैं सर, ये 250 शेयर्स हैं सर, ये 250 शेयर्स हैं सर। एन
अनकोटेड कंपनी, अनकोटेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, एक्स लिमिटेड हैज अ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ 5000 शेयर विद अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10। सीधी सीधी बात, मैंने किसी अनलिस्टेड कंपनी के 250 शेयर खरीदे और उस कंपनी के पास 5000 शेयर टोटल में है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है। अब अनलिस्टेड कंपनी है, स्टॉक मार्केट में प्राइस नहीं है, तो मुझे कैसे पता लगेगा मेरी इन्वेस्टमेंट कितने की है? तो आपको अच्छी तरह से पता है, इंटर में भी पढ़े हुए हमने क्वेश्चंस, अनलिस्टेड कंपनी की पहले पूरी वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म, और फिर उसमें अपना हिस्सा निकाल लेते हैं, अपने शेयर की वैल्यू आ जाती है। एक्स लिमिटेड आफ्टर टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आर एस्टिमेटेड 70,000 पर ईयर। जिस कंपनी के शेयर खरीदे हैं वो 70,000 रुपए कमा रही है एक साल के आफ्टर टैक्स। एन एप्रोप्रिएट प्राइस अर्निंग रेशियो फ्रॉम द पब्लिश्ड इंडस्ट्री 15 बिफोर लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी। अरे छोड़ो ना, प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला बताओ। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है सर मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस। ये आपके पास कितना है, ये है 15। अगर आप 70,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं और आपके पास नंबर ऑफ शेयर है 5,000, तो ईपीएस बताएं कितना आ गया। ये प्रॉफिट है, ये शेयर्स हैं, ईपीएस बताओ कितना आया। ये ईपीएस आ गया जी 14 रुपीज का। तो मैंने क्या करा, फॉर्मूला लगाया, मार्केट प्राइस तो मेरा एक्स है, ईपीएस मेरा 14 है, तो मैं अगर इसको इधर ले जाऊं तो 14 × 15 हो जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगा 14 × 15 210 रुपए का। प्राइस अर्निंग रेशियो का क्या हमें फॉर्मूला नहीं आता बेटे? जब आपको एक्स कंपनी के प्रॉफिट्स पता है, उसके नंबर ऑफ शेयर पता है, उसका ईपीएस पता है, प्राइस अर्निंग रेशियो पता है, मार्केट प्राइस निकाल लिया 210 रुपए का। आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं, बिफोर लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी एडजस्टमेंट। अब अनलिस्टेड कंपनी के शेयर बेचना बड़ा मुश्किल होता है, लिस्टेड कंपनी के लिए तो बीएससी एनएससी का प्लेटफॉर्म है, तो अनलिस्टेड कंपनी के शेयर बेचने की वजह से रिस्क एडजस्टमेंट बनता है इसके अंदर। ए लिमिटेड मैनेजमेंट्स एस्टिमेट दैट द डिस्काउंट फॉर लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी ऑफ एक्स, कहते रिस्ट्रिक्शन 20%। आप ऐसा करो, मार्केटेबिलिटी की वजह से 20% का रिस्ट्रिक्शन लगा दो, तो मैंने 210 रुपए लिए, 20% का मैंने रिस्क फैक्टर एडजस्ट कर दिया, तो ये आ गया 168। तो अगर आप मुझसे पूछें कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, 168, मैंने कितने शेयर्स खरीदे हैं 250, एक शेयर का प्राइस कितना है 168, तो मैं इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू निकाल सकता हूं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई है 42,000 रुपए की वैल्यू, 42,000 रुपए की वैल्यू आ गई सर। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 42,000 रुपीज है। अगर आप मुझसे पूछे कंपनी की वैल्यू कितनी है, तो 5000 शेयर तो टोटल ही है कंपनी के पास 168 के हिसाब से, अगर आप कंपनी की वैल्यू निकालें तो कंपनी की वैल्यू बनती है 8,40,000। टोटल कंपनी के पास 5000 शेयर है, 168 का प्राइस हमने निकाला है, टोटल वैल्यू आ गई। मेरे पास 250 है, 168 के हिसाब से वो वैल्यू आ गई। और अगर आपको दो एमसीक्यू सॉल्व करने पड़े इसमें, मैं आपको एमसीक्यू चेक कराता हूं इसमें। ये फर्स्ट एमसीक्यू है इसका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स कंपनी की वैल्यू बताओ कितनी है। ये राजी 840, कैसे आया था 5000 × 168। दूसरा एमसीक्यू, व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ एज इन्वेस्टमेंट, अभी बताया था 42,000 रुपए, ये रहा बी ऑप्शन, 250 × 168। दो एमसीक्यू हो गए आपके, पहले का ऑप्शन है ए, दूसरे का ऑप्शन है बी। मैं यहां लिख लेता हूं ए बी, मैं केसेस में वापस आ रहा हूं बेटे। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, मैं सेकंड केस में आ गया। सेकंड केस किस चीज के ऊपर है, मैं जरा बोर्ड साफ कर लूं अपना।
सेकंड केस किस चीज के ऊपर है? सेकंड केस है सर इंड एस 115, 115 रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर। ये हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 45 है, पेज नंबर 27 है। मेरी बात समझ रहे हैं? मॉड्यूल नंबर 4 है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? नॉन कैश कंसीडरेशन का कॉन्सेप्ट है। जब हम किसी को अपना माल बेचते हैं तो उसके बदले में कई बार कैश की जगह इन काइंड कंसीडरेशन आ जाता है, जिसको बार्टर सिस्टम भी कह रहे थे। मैंने बोला गाड़ी ले जाओ, ट्रक दे जाओ, मेरा गाड़ियों का शोरूम है, मैं गाड़ियां बेचता हूं। मैंने गाड़ी बेची, उसको बोला यार पेमेंट कैश में मत देना, मुझे यार एक डिलीवरी वैन चाहिए, वो दे दो कंसीडरेशन में, नॉन कैश कंसीडरेशन। और मैंने आपको इसमें एक रूल बताया था कि नॉन कैश कंसीडरेशन में, रिविजनरी वीडियो भी पढ़ा है यूट्यूब के ऊपर, हैंड रिटन नोट्स पढ़े हैं टेलीग्राम के ऊपर, आपकी कॉपी में भी लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। नॉन कैश कंसीडरेशन में मैंने साफ साफ लिखवाया था आपको कि फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड आपका सेल्स कंसीडरेशन होता है। जिन चीजों को आपने कंसीडरेशन में रिसीव किया है उसकी फेयर वैल्यू चेक कर लो। आमतौर पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स की जब हम बात करते हैं इंड एस 40 में, इंड एस 16 में, इंड एस 38 में, तो वहां पे कमर्शियल सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब हम बात करते हैं रेवेन्यू में, इन्वेंट्री एक्सचेंज हो रही है यहाँ पे, मैं अपनी इन्वेंट्री दे रहा हूं उसके बदले में नॉन कैश कंसीडरेशन ले रहा हूं, तो फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स रिसीव्ड एडजस्टेड बाय कैश कंसीडरेशन, कुछ कैश वैश देखना पड़ता है क्या जा रहा है, तो वो समय देखना है कि हमें मिला क्या। मैं जरा पढ़ना शुरू करता हूं। ए लिमिटेड हैज अ टेलीकॉम सेगमेंट, टेलीकॉम एयरटेल जियो, इट एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद बी, ओके ए ने एग्रीमेंट किया बी के साथ, विच इज एंगेज्ड इन द जनरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ पावर। हमारा बिजनेस है टेलीकॉम का, सामने वाले का बिजनेस है पावर जनरेशन का। हमने उसको बोला यार तू टॉक टाइम ले ले, अपनी बिजली दे दे, वो इलेक्ट्रिसिटी हमें दे देगा, हम उसके एम्प्लॉयज को या उस कंपनी को टॉक टाइम दे देंगे, हो गया नॉन कैश कंसीडरेशन। तो जितने रुपए की इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगी वो आपका रेवेन्यू है। मैं जरा आगे बढ़ता हूं। द अग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट ए लिमिटेड विल प्रोवाइड 1 लाख मिनट्स ऑफ टॉक टाइम टू द एम्प्लॉयज ऑफ द बी इन एक्सचेंज फॉर, ये अपने 1 लाख मिनट देगा उसको टेलीकॉम कंपनी, 1 लाख मिनट उसको दे देगा, उसके बदले में क्या आएगा, गेटिंग पावर इक्वल टू 20,000 यूनिट। हम उसको अपने 1 लाख मिनट्स दे रहे हैं, उसके बदले में 20,000 यूनिट बिजली मिल जाएगी, हम इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। तो हम प्राइस देख लेते हैं। ए लिमिटेड नॉर्मली चार्जेस 0.5 पर मिनट, अगर 1 लाख हैं 50 पैसे हम चार्ज करते हैं तो 50,000 रुपए के गुड्स हमने दिए हैं गिवन। लेकिन बी कितना चार्ज करता है 2.5 रुपए पर यूनिट, तो 20,000 इंटू 2.5 50,000 रुपीज ये रिसीव्ड। अब मुझे बताओ गिवन को चेक करूं या रिसीव्ड को चेक करूं? ये इंड एस 40 नहीं है, 16 भी नहीं है, 38 भी नहीं है, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स भी नहीं है, ये तो रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर है। तो फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन रिसीव्ड देखते हैं हम, तो हमें ये नहीं देखना, हमें ये देखना है 50,000 रुपये, 50,000 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी आपको मिली है, ये आपका कंसीडरेशन है। तो अगर मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, ये रहा इसका तीसरा MCQ, बाय व्हाट अमाउंट द रेवेन्यू बी मेजर्ड एंड रिकग्नाइज्ड बाय ए इन केस ऑफ टेलीकॉम सेगमेंट, तो मैं बोलूँगा जी 50,000 रुपये। कैसे? 20,000 यूनिट्स हमें मिले हैं, 2.5 रिसीव्ड, यही कॉन्सेप्ट है। आप चाहे क्लास बुक का क्वेश्चन खोलो, उसका सॉल्यूशन चेक करो, यही मिलेगा। चलें जी आगे, चलो सर आगे चलते हैं। मैं आ गया सर
नेक्स्ट केस स्टडी में आ गया। नेक्स्ट केस स्टडी है नंबर 3, ये भी क्वेश्चन हमने किया हुआ बेटे, ये भी मैंने क्लास में कराया हुआ है, क्लास बुक का ही क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन है, मैं चेक कराता हूँ, ठहरो। ये इंड एएस 23 का क्वेश्चन है, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 24 है, पेज नंबर 70 है, मॉड्यूल नंबर 1 है, लेकिन मैं फिर भी डिस्कस कर लेता हूँ, एमसीक्यू है ना। मेरे पास है केस नंबर 3, ये रहा सर, ए लिमिटेड बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 7 लाख रुपीज ऑन 1 अप्रैल X1। मुझे एस्टिमेशन से कोई लेना देना नहीं, मुझे डेट से लेना देना है, डेट है ये, मतलब साल के पहले दिन हमने काम शुरू किया है जी, साल के पहले दिन हमने काम शुरू किया है। टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग इट ऑब्टेन्ड अ स्पेसिफिक लोन ऑफ 2 लाख रुपीज फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 9%। मैं लिख लेता हूं, स्पेसिफिक लोन 2 लाख रुपए का है, एट द रेट ऑफ 9% है, घंटी बज जानी चाहिए, इंड एएस 23 में स्पेसिफिक बोरोइंग का जो इंटरेस्ट है वो पूरा कैपिटलाइज होता है, ना हम एक्सपेंडिचर देखते हैं ना डेट ऑफ एक्सपेंडिचर देखते हैं, जितना इंटरेस्ट बनता है वो कैपिटलाइज हो जाता है, लेकिन सेसेशन की डेट आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि सेसेशन की डेट लास्ट डेट होती है कैपिटलाइजेशन की। अगर पूरा साल काम चलेगा, मतलब सेसेशन नहीं हुआ, तो मैं 18,000 रुपये कैपिटलाइज कर दूंगा, अगर काम बीच में रुका या पूरा हो गया वो देख लेंगे। स्पेसिफिक लोन में ना तो डेट ऑफ एक्सपेंडिचर देखते हैं ना एक्सपेंडिचर का अमाउंट देखते हैं, मैं तो सीधा 2 लाख पे 9% लूंगा, 18,000 का ब्याज कैपिटलाइज करने के लिए बैठा हूं, मुझे एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं। आगे क्वेश्चन कहता है, कंपनी के पास कुछ और आउटस्टैंडिंग्स भी हैं, तो ये जनरल बोरिंग्स हो गई हैं, 7 लाख का 12% 84,000 इसका इंटरेस्ट हो गया पूरे साल का, 9 लाख का 11% 99,000 रुपये ये इंटरेस्ट हो गया। अब आपको एक्सपेंडिचर की डिटेल बताई जा रही है, पहला एक्सपेंडिचर अप्रैल में हुआ 1.5 लाख का, दूसरा एक्सपेंडिचर अगस्त में हुआ 2 लाख का, तो पहले तो ये स्पेसिफिक बोरिंग में से होगा, मैंने आपको बताया था क्लास में फीफो बेसिस पे पहले स्पेसिफिक को यूज करना है फिर जनरल को यूज करना है, तो 2 लाख का स्पेसिफिक है, पहला 1.5 लाख का जो एक्सपेंस है वो पहले स्पेसिफिक में से जाएगा, फिर इसके दो टुकड़े होंगे, 50,000 रुपये ये भी स्पेसिफिक में से जाएगा, और जो बाकी का 1.5 लाख है ये जनरल है, ये जनरल बोरिंग है, ये वाला ये भी जनरल बोरिंग है, ये वाला ये भी जनरल बोरिंग है, ये भी जनरल बोरिंग है और ये भी जनरल बोरिंग है, तो 1.5 लाख जनरल बोरिंग है, 3.5 लाख ये भी जनरल बोरिंग है, 1 लाख ये भी जनरल बोरिंग है, टोटल 4 और 1 5 और 1 6, लोन कितना है, लोन है 16, एक्सपेंडिचर कितना है 6, अगर आपको WACR निकालना है तो एक्सपेंडिचर तो आपका लो है, WACR तो लोन के बेसिस पे निकलेगा, तो मैं आपको एक सेकंड में निकाल के दे देता हूँ WACR, मैंने क्या किया 84 प्लस 99, टोटल आ गया 183, मैं एक्सपेंडिचर को बेस नहीं बनाऊंगा, अगर मुझे WACR निकालना है तो 183 को डिवाइड कर दूंगा मैं 16 लाख से, क्यों, लोन ज़्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, विच एवर इज हायर लेना होता हमने, तो 183 और 16 लाख रुपीस 11.4375 आ गया ये WACR। लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन और भी है सर, जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है ये 31 जनवरी को कंप्लीट हो गया है सर, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 31 जनवरी को कंप्लीट हो गया सर, तो 1/4 से लेके 31 जनवरी तक 10 महीने बनते हैं,
तो मैं बस 10 महीने का ब्याज ही कैपिटलाइज कर सकता हूँ मैक्सिमम, क्योंकि सेसेशन के बाद का ब्याज तो P&L में जाता है। तो अगर हम उससे पूछें कि जिंदल सर स्पेसिफिक इंटरेस्ट कितना बनता है स्पेसिफिक का, तो मैं बोलूंगा 2 लाख की बोरिंग्स थी, 9% का रेट था, 10/12, 10 महीने से ज्यादा तो ब्याज कैपिटलाइज हो ही नहीं सकता, चाहे स्पेसिफिक हो चाहे जनरल हो, क्योंकि सेसेशन तो लास्ट डेट होती है। तो ये बनता है 15,000 रुपये। अब मुझसे पूछेंगे जनरल बोरिंग्स के बारे में, आओ मैं जनरल बोरिंग्स की कैलकुलेशन यहीं करा देता हूँ। मैंने इस पे लगाया 11, ये 15 है, ये 3.5 है, ये 1 लाख है। डेट मुझे पता है, अगस्त अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 31 जनवरी, इस पे तो 6 महीने का ब्याज बनता है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, इस पे 4 महीने का बनता है, इस पे 1 महीने का बनता है, और 31 जनवरी तक का ब्याज लेना हमने। तो अगर हम उससे पूछें ब्याज, मैं आपको यही वर्किंग बना के देता हूँ, ठहरो, एक सेकंड का काम नहीं है बेटे, ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है हमारा, मैं कुछ नया नहीं करा रहा। 1,50,000 लेंगे, ये अगस्त वाले में से है, ये तो सारा स्पेसिफिक है। 11.4375% इंटू 6/12, ये था 3,50,000 रुपीज इंटू 11.435 इंटू 4/12 एंड 1 लाख रुपीज इंटू 11.4375% इंटू 1/12। बताओ जी कितना कितना आया ये, या जी 8578, 3.5 लाख का ये आ गया जी, 13344, और ये आ गया जी इसका 953, टोटल लगाया हमने इसका 8578 1344 953, 22,875 रुपये बनता है सर। WACR एनुअल निकलता है, लेकिन लगाते हैं पीरियड के हिसाब से। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता सकता हूँ, मैंने टोटल ब्याज कितना निकाला था इसके ऊपर, ये 84 था, ये 99 था, मैंने टोटल ब्याज निकाला था ये 84 प्लस 99, ये मेरा जनरल बोरिंग का था। इसमें से अगर मैं इतना कैपिटलाइज कर पा रहा हूं, बाकी P&L में जाएगा। लोन आप लेके बैठे हो यार 16 लाख रुपए का, एक्सपेंडिचर कर रहे हो आप जनरल बोरिंग में से कोई 5-6 लाख रुपए का, तो P&L में जाने वाला ब्याज तो फिर ज्यादा जाएगा ही। अब इसके MCQ चेक करते हैं, क्या MCQ पूछे इन्होंने, आओ सर इसके MCQ में क्या है, ये रहा सर 3 MCQ है इसके ऊपर। What will be the capitalization rate? ये राजी capitalization rate. What will be the total amount of borrowing cost on specific borrowing? ये रीजी 15,000 रुपये, अभी बताया था मैंने 2 लाख रुपए का लोन है, 9% रेट है, 10/12, 18,000 रुपये पूरे साल का ब्याज बनता है, 15,000 कैपिटलाइज हो जाएगा, 3,000 P&L में चला जाएगा। क्यों? सेसेशन डेट 31 जनवरी है, 31 जनवरी के आगे तो जा ही नहीं सकते हम, तो 2 महीने का ब्याज P&L में डालना पड़ेगा। फिर बच्चा कहता है सर आपने तो क्लास में ये बताया था कि अगर काम पूरा हो जाए तो जो स्पेसिफिक लोन होता है वो जनरल बन जाता है। बिल्कुल बन जाता है, कोई दूसरी क्वालिफाइंग एसेट है क्या? एक क्वालिफाइंग का काम पूरा हो गया तो दूसरी क्वालिफाइंग में वो चला जाता है जनरल में, उसकी कोई रेफरेंस है क्या? आगे चलते हैं, हम चलते हैं जी 6th क्वेश्चन में, क्या पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी दी टोटल अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट, जनरल बोरिंग, ये रही जनरल बोरिंग 22,875। अब ऑप्शन चेक कर लो, ये ए है, ये सी है, ये सी है, इसका क्या था डी, फिर सी, फिर सी सी ए,
सी सी ए, ए बी डी सी सी ए। मैं आपको इसके आंसर चेक कराता हूँ। हमारे पास ये रही एम टी पी सर, ये रही इसके सॉल्यूशन, ये सारी वर्किंग बनी हुई है। ए बी डी सी सी ए, ये हमारा पहला केस हो गया सर। 6 क्वेश्चन हो गए, 6 × 2 12 नंबर के एमसीक्यू हो गए सर। अब हमें आगे चलना चाहिए। मैं आपको लेके आ रहा हूं सर केस नंबर 2 में। ये रहा बेटे केस नंबर 2, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। डी लिमिटेड इज अ ग्लोबली डाइवर्सिफाइड बिजनेस विद ऑपरेशंस स्पैनिंग अक्रॉस वेरियस बिजनेस सेक्टर वर्ल्ड वाइड। द कंपनी टू इंडियस फॉर मेंटेनिंग फाइनेंशियल, वो कहानी सुना रहा है सर। ये फर्स्ट पैराग्राफ इसकी पूरी कहानी का है, हमने इसकी पूरी कहानी पढ़ ली। लो पढ़ ली सर कहानी। मेन तो केस स्टडीज हैं, ये हमारा पहला केस है सर। किस पे है? ये है इंड एस 41 पे। ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है और पेज नंबर 141 है, मॉड्यूल नंबर 2 है इंड एस 41। और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करके देना चाहता हूं। इंड एस 41 की रिविजनरी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, आप देख सकते हैं। और शायद आपको याद हो, मैंने आपको इंड एस 41 में एक बात बताई थी। एक तो थी इनिशियल रिकॉग्निशन की और दूसरी थी एक्विजिशन एक्सपेंसेस की। एक तो थी इनिशियल रिकॉग्निशन की और एक थी एक्विजिशन एक्सपेंसेस की, ये दो बातें हैं हमारे पास। जब हमने बात की थी एक्विजिशन एक्सपेंसेस की, तो मैंने आपको बोला था ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अगर आप कोई बायोलॉजिकल एसेट खरीद के लाते हैं और कोई एक्सपेंस करते हैं, दो तरह के खर्चे बताए थे, एक ट्रांसपोर्टेशन का और एक कोई कमीशन या ब्रोकरेज लग जाती है। कोई एनिमल खरीदा, कोई प्लांट खरीदा आपने, तो ट्रांसपोर्ट हो या कोई ब्रोकरेज हो, सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। एक्विजिशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एक्विजिशन एक्सपेंस। ये तो कहानी खत्म हो गई। ये जो परचेज प्राइस है, आमतौर पे क्या होता है, परचेज प्राइस में हम एक्विजिशन एक्सपेंसेस जोड़ देते हैं, उसको कॉस्ट मान लेते हैं। 41 का ये मॉडल नहीं है। 41 कहता है परचेज प्राइस को अलग करो, एक्विजिशन एक्सपेंसेस को अलग करो, और जो एक्विजिशन एक्सपेंसेस है ये पी एंड एल में डाल दो। अब आते हैं परचेज प्राइस पे। ये परचेज प्राइस भी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनिशियल रिकॉग्निशन होता है फेयर वैल्यू एट कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अगर आपने कोई एनिमल खरीदा, आपने एनिमल खरीदा मान लो 1 लाख रुपए का, आपने खर्चे वर्चे कर दिए मान लो 5000 रुपए के, कहते हैं ये खर्चे तो पी एंड एल में जाएंगे ही जाएंगे, ये तो एक्विजिशन वाले हैं। ये जो 1 लाख रुपए का आपने एनिमल खरीदा है, ये 1 लाख का है ही नहीं। कहते क्यों? कहते मान लो आज इसको मंडी में दोबारा बेच के आना है, खरीद लाए 1 लाख रुपए में खरीद लाए, कहते आज ही इसको बेचने जाओगे तो क्या दोबारा से ट्रांसपोर्ट नहीं खर्च करना पड़ेगा? क्या आपको दोबारा से कमीशन, क्योंकि कमीशन बायर भी देता है सेलर भी देता है, ट्रांसपोर्ट भी दोनों साइड से लगती है। आप बेचने जाओगे तब भी आपको मंडी में जाना पड़ेगा, खरीदने जाओगे तब भी आपको मंडी से लाना पड़ेगा। तो ये जो 1 लाख रुपए है इस पर रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। इनिशियल रिकॉग्निशन होता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो ये जो आपके 5000 के खर्चे हैं, अगर ये खर्चे आपको बेचने पे भी करने पड़ेंगे तो आप इसको 95 ही मानो। और जो 5000 रुपए हैं ये वैल्यूएशन लॉस है, लॉस एट इनिशियल रिकॉग्निशन। और हमारा झगड़ा किस बात पे हुआ था कि खर्चे दो दो बार कैसे बुक हो रहे हैं? आप एक्विजिशन वाले भी बुक कर रहे हो और जो बेचने वाले खर्चे हैं उसको आज ही आपने वैल्यूएशन में अब्सॉर्ब। क्या करूं बेटे, वैल्यूएशन मॉडल फेयर वैल्यू मॉडल है। तो आपको क्लास में कितना जोर से बताया था मैंने, कितनी मेहनत से बताया था कि खर्चे दो बार होते हैं। ये देखो ना, ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको कराया था, नवंबर 20 की आरटीपी में भी है, स्टडी मटेरियल में भी है और क्लास बुक में भी है।
ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, एक तो हमने एक्विजिशन एक्सपेंस खर्च किए हैं 2100 रुपए के, 2100 रुपए के ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, और एक हमने ये 2100 रुपए एक्सपेंसेस टू सेल इसको वैल्यूएशन में एडजस्ट किया हुआ है। ये रहा, मैंने आज 60,000 रुपए का एनिमल खरीदा, उसमें से 2100 रुपए के मैंने लॉसेस को बुक किया है, बाकी बायोलॉजिकल है। तो 2100 के खर्चे हैं, 2100 का लॉस है, टोटल 4200 हो गया, ये डबल हो गया। रिविजनरी वीडियो में भी मैंने बताया आपको कि डबल डबल एक्सपेंस कैसे, एक हम पेमेंट कर रहे हैं एक्विजिशन वाले, और दूसरा जो परचेज प्राइस में खर्चे हैं, अगर मैं बेचने जाऊंगा तब क्या लगेगा, तो अगर बेचने जाऊंगा तो मिलेगा ही नहीं, बेचने जाऊंगा तो खर्चे कट के मिलेगा, तो उसको आज ही रिकॉर्ड कर लो, बाकी को लॉस मान लो, डबल डबल। ये देखो ना, वही क्वेश्चन है सर, क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है बेटे। ये देखो, डी लिमिटेड फॉर इट्स डेयरी बिजनेस परचेज्ड कैटल एट एन ऑक्शन ऑन 30th June X1, मैं लिख लेता हूँ, 30 June X1 को हमने परचेज किया, ओके। बताओ जी परचेज प्राइस क्या है, 1,00,000 रुपए। इस 1,00,000 रुपए की तो हम वैल्यूएशन करेंगे, और इसमें लॉस एट इनिशियल रिकग्निशन निकालेंगे, एक्विजिशन डेट को, वो कॉस्ट टू सेल माइनस करेंगे कि अगर मैं इसको आज बेचने जाऊंगा तो क्या मिलेगा, तो जो मिलेगा बस वही रिकॉर्ड करो फेयर वैल्यू आप, बाकी तो लॉस है। जो खर्चे बेचने के टाइम पे होने हम उनको आज ही रिकग्नाइज कर लेते हैं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताओ, 1,000 रुपए है, और सेलिंग प्राइस 31, नहीं बाद में देखेंगे, आप मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बताओ कितनी है, 1,000 रुपए। यहां पे डेटा 31 मार्च X2, यहां पे डेटा X1, ये तो बाद की बात है, ये तो बैलेंस शीट वाली बात हो गई, बैलेंस शीट वैल्यूएशन बाद में देखेंगे, पहले इनिशियल रिकॉग्निशन तो कर ले हम। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट P&L में जाएगी। द कंपनी वुड हैव टू इनकर सिमिलर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इफ इट वर टू सेल द कैटल एट द ऑक्शन, सेम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेल के टाइम पे भी खर्च होगी। आज मैं खरीद के लाया हूं तो भी 1,000 रुपए जा रहे हैं, और कल को बेचने जाऊंगा तो भी 1,000 रुपए लगेंगे, एक एक्सपेंस है एक लॉस है। इन एडिशन टू एन ऑक्शनर फीस 2% ऑफ द सेल्स प्राइस, ये जो 1,00,000 रुपए का माल है इसमें 2,000 रुपए कमीशन के भी लगेंगे, और जो कमीशन है सेलिंग प्राइस पे, ये दोनों देंगे, बायर भी देंगे और सेलर भी देंगे। मैं खरीद के लाऊंगा तब भी कमीशन आएगा, बेचने जाऊंगा तब भी कमीशन आएगा। तो सीधी सीधी बात करूं ना बेटे, अगर मैं एक्विजिशन एक्सपेंसेस की बात करता हूं, तो एक तो मेरा ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है 1,000 रुपए का, एक मेरा कमीशन है 2,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का 2%, 3,000 रुपए। फिर मेरा परचेज प्राइस है 1,00,000 रुपए का, 3,000 रुपए मेरी कॉस्ट टू सेल है, तो मैं वैल्यूएशन करूंगा 97,000 पे। ये मेरा इनिशियल रिकग्निशन है। अब मुझसे पूछो कि मेरे खर्चे कितने हैं, 3,000 रुपए ये हैं, 3,000 रुपए का लॉस है, 6,000 रुपए P&L में जाएंगे इनिशियल रिकग्निशन के टाइम पे। डबल डबल खर्चे होते हैं सर, एक तो वाकई में खर्चा हो रहा है, एक वैल्यूएशन की वजह से हो रहा है। इसके लिए अगर आपको कोई दिक्कत आए, 41 के नोट्स खोलो, रिविजनरी वीडियो का रेफरेंस लो, वैसे तो आपको याद ही होना चाहिए हमने क्या पढ़ा था बेटे। मैं आगे पढ़ता हूं, जरा क्वेश्चन आगे क्या कहते हैं, मुझे क्वेश्चन आगे कह रहे हैं, सेल्स प्राइस 31st March। अब आपको अच्छी तरह से पता है हर बैलेंस शीट डेट को बायोलॉजिकल एसेट्स की फेयर वैल्यूएशन करनी होती है। 1,10,000 बता रहे हैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं अभी, यहां आ जाओ। 1,10,000 रुपए में से 2,200 रुपए का तो कमीशन कटेगा 2%, 1,000 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन कटेगा, ये तो सेलिंग प्राइस है। आप मुझे बताओ 31 मार्च को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना आएगा, तो 110 माइनस 2200 माइनस 1000, ये आएगा 1068। गेन कितना आ गया,
इनिशियल था 97,000, बैलेंस शीट डेट को ये है, तो गेन आपका आ रहा है 9800 रुपए का, 3000, ठीक है। ये दो ही चीजें पूछ सकता है, क्या बताओ इनिशियल रिकॉग्निशन पे क्या लॉस होगा या फिर बैलेंस शीट डेट को क्या गेन होगा, ये पूछ सकता है आपसे। और अगर मैं इसके एमसीक्यूज में जाता हूं, अगर बेटे मैं इसके एमसीक्यूज में जाता हूं, अगर मैं इसके एमसीक्यूज में जाता हूं, ये लो जी एमसीक्यूज, व्हाट विल बी द गेन और लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, मैं तो बता ही रहा था। तो 3 और 3 6,000 रुपए लॉस होंगे आपको, ये रहा जी इसका डी पार्ट, क्यों 3,000 रुपए के एक्विजिशन एक्सपेंस है और 3,000 रुपए का लॉस है कॉस्ट टू सेल वाला, ऑप्शन डी। फिर आपसे पूछेगा व्हाट विल बी द गेन और लॉस ऑन रीमेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स बैलेंस शीट डेट, तो 9800 रुपए का गेन ढूंढो कहाँ है, ये रहा जी ए, एक बार चेक कर लूँ ना बेटे, एक 1,10,000 था, -2%, -1,000, -97,000, बिल्कुल ठीक है जी, 9800 रुपए का गेन है, ऑप्शन ए। ये सब क्वेश्चन क्लास में कराए हुए हैं, क्लास बुक की रेफरेंस आपको दी हुई है। मैं जरा अगली केस स्टडी में आता हूं, क्या कहता है जी क्वेश्चन में, कहां गया भाई, ये रहा सर केस स्टडी नंबर 2। ये किस चीज के ऊपर है, ये है इंड एस 32 and 109, वैसे तो मैं 32 ही बोलूंगा, क्यों आपको सिर्फ ये बताना है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है या फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये बताना बस आपको। डी लिमिटेड हैज सर्टेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, क्लास का किया हुआ क्वेश्चन है, मैंने नंबर नहीं मार्क किया, बच्चों वाला क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, घंटी बज जानी चाहिए, अगर प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल है, इंडिया में तो प्रचलन है नहीं इस चीज का, पर हमने डिस्कस किया हुआ ईपीएस में भी और यहां पे भी कि अगर है तो पैसा वापस करना ही नहीं, जब इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है और पैसा वापस करना नहीं, तो ये तो इक्विटी कंपोनेंट है। वैसे ये सीएफआई भी हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ ना कुछ हो सकता है, आपको ब्याज देना पड़े, देखते चलो आगे। विद फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज एंड प्रीमियम 90 रुपीज, ओके, दीज शेयर्स कैरी डिविडेंड ऑफ 8% पर एनम, डिविडेंड की नेचर देखनी पड़ेगी, हाउएवर डिविडेंड इज पेड ओनली वेन डी लिमिटेड डिक्लेयर्स डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, अगर इक्विटी शेयर को देंगे तब इनको देंगे, इसका मतलब ये फाइनेंशियल लायबिलिटी तो है ही नहीं, एक तो प्रेफरेंस शेयर आपके इरिडीमेबल है और ऊपर से डिविडेंड आपका नॉन क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव कैसे हुआ, इक्विटी शेयर को अगर मैंने नहीं दिया तो इनको भी नहीं दिया, ये मांग ही नहीं सकते, राइट कैरी नहीं हो सकता इनका, तो ये तो प्योरली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, ना कोई प्रिंसिपल की बर्डन ना कोई डिविडेंड की बर्डन, कहानी खत्म, आगे बढ़ो। बोरिंग्स फ्रॉम जेड ₹10 lakhs विद सेटलमेंट अगेंस्ट इश्यू ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ डी हुज वैल्यू इक्वल्स टू 10 lakh rupees, हमने किसी से 10 lakh का लोन लिया और मैंने उस बोला कि यार तेरे लोन को मैं चुका दूंगा शेयर्स के थ्रू, मैंने 10 lakh का लोन लिया है लेकिन उसकी पेमेंट करूंगा मैं शेयर्स के थ्रू, ओके, फेयर वैल्यू पर शेयर जो कि नंबर ऑफ शेयर निकालने में काम आएगी, ये बेस करेगी मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स एट फ्यूचर डेट, लो कर लो बात, फेयर वैल्यू सेटलमेंट डेट की लेंगे। तो मैंने आपको क्लास में एक टेस्ट कराया था फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट, उसमें फेल हो गया, क्यों, वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर है, मान लो मेरे को 10 lakh रुपए चुकाने हैं, फेयर वैल्यू मैंने फिक्स नहीं करी, फेयर वैल्यू लूंगा उस टाइम पे जब मेरे को सेटलमेंट करनी है, तो नंबर ऑफ शेयर वेरी करेंगे, नंबर ऑफ शेयर फिक्स्ड नहीं है, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है ड्यू टू वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स, ये कोई क्वेश्चन है बेटे, पौने 200 क्वेश्चन कराए थे आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, ये कोई क्वेश्चन है,
अच्छा ये देखते जरा केस स्टडीज में क्या पूछ रहा है हमसे, हमसे पूछ रहा है जी बताना जरा ये जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है इनकी नेचर क्या है। भैया इक्विटी है। ये जो बोरिंग्स हैं जी इनकी नेचर क्या है, इनकी नेचर क्या है भैया? फाइनेंशियल लायबिलिटी है। क्यों? वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स की वजह से ये इसका रीजन है, और ये फिक्स्ड नो बर्डन की वजह, नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, देर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, इसलिए ये इक्विटी है और ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो मेरे पास पहला ऑप्शन था डी, फिर था ए, सी बी, डी ए सी बी, ये चार ऑप्शन है केस नंबर टू के, डी ए सी बी। देखो जी आप डी ए सी बी, बिल्कुल ठीक है जी, ये चार क्वेश्चन आपके और हो गए हैं, तो 4 into 2 8 मार्क्स का पेपर और कवर हो गया, 12 नंबर का यहाँ कवर हो गया था, 20 नंबर के एमसीक्यू आपके हो गए, और कुछ भी अभी तक नजर नहीं आया सर। कॉन्सेप्ट है बेटे, याद रह गए तो हो जाएगा, अगर कोई दिमाग से चीज निकल गई तो नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको आता नहीं, आता सब कुछ है, क्लिक नहीं करता कई बार पेपर में, क्यों? सिलेबस बहुत ज्यादा है, चीजें रिकॉल नहीं हो पाती, एक नेचुरल चीज है, ये कई बार हमारे साथ भी हो जाता है। ये हमारे पास केस नंबर 3 है बेटे, ये हमारे पास केस नंबर 3 है, ये राजी केस नंबर 3। ये कहानी आप पढ़ लेना, मल्टीनेशनल कंपनी है जी, इंडेक्स लगाती है जी, ये है जी, वो है जी, इसकी कहानी आप पढ़ लेना। मैं इसके केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 की बात कर रहा हूं, और आप हैरान हो जाएंगे कि ये तीनों के तीनों केस इंडेक्स 28 के हैं, और हमारी क्लास बुक में क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, और क्वेश्चन नंबर 3 ये है। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, आप ये कह सकते हैं आपके स्टडी मटेरियल का 1 2 3, क्योंकि जिस ऑर्डर में स्टडी मैट में उसी ऑर्डर में हमारी क्लास बुक में है सब कुछ, आईसीआई का दिया हुआ तो पढ़ा रहे हैं आपको। तो 1 2 3 ये एमसीक्यू में डाल दिए, और शायद आपको इंडेक्स 28 का कॉन्सेप्ट याद हो एसोसिएट का, कि अगर मेरे पास किसी कंपनी के 20% शेयर हो, 20% और मोर बट अप टू 50%, ये बन गई रेंज 20 to 50, ये बन गई रेंज। 50% से ऊपर सब्सिडरी, 20 to 50 एसोसिएट, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म था। फिर मैंने आपको कुछ ऐसे केसेस बताए थे जिसमें अगर आपके पास शेयर्स 20% से कम भी होंगे लेकिन आपकी एसोसिएट मानी जाएगी। सब्सिडरी का बेस होता है कंट्रोल, और एसोसिएट का बेस होता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो अगर 20% से लेस शेयर्स भी हैं, तो कुछ ऐसे केसेस मैंने आपको लिखवाए थे, मुझे पता है आपको क्लिक नहीं करेंगे, मैंने हैंड रिटन नोट्स लगा रखे हैं जो मैंने क्लास में लिखवाए हुए हैं। यहाँ पे हमने 28 शुरू किया था, इंपॉर्टेंट नोट्स बताए, लीगल अंडरस्टैंडिंग बताई, डिफरेंट सिचुएशंस बताई, फिर एसोसिएट का मीनिंग बताया 20 to 50, फिर आपको एक्सेप्शनल्स बताए। ये देखो, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडेक्स 28, देयर मे बी सम सिचुएशंस वेयर पार्टिसिपेशन कैन बी प्रूव्ड विदाउट वोटिंग पावर और विद लेस देन 20% वोटिंग पावर। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे 20% के बिना ही काम चल जाता है। अगर आप कोई टेक्निकल नॉलेज शेयर करते हैं किसी कंपनी के साथ, अगर आप कोई मैनेजमेंट शेयर करते हैं किसी कंपनी के साथ, कोई मटेरियल ट्रांजैक्शन करते हैं आप, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपका कोई रिप्रेजेंटेशन है, तो ये सारे के सारे पार्टिसिपेशन का फॉर्म है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है पावर टू पार्टिसिपेट इन द रेलिवेंट एक्टिविटीज, और सब्सिडरी में होता है कंट्रोल,
पावर टू कंट्रोल द रेलिवेंट एक्टिविटीज। अगर मैं रेलिवेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता हूं तो सब्सिडरी है, सिर्फ जाके बैठ सकता हूं, पार्टिसिपेशन जरूरी है तो वहां सिग्निफिकेंट है, वो एसोसिएट है। तो सिर्फ 20 से 50 से अगर आपको चेक ना करना हो तो ये एग्जाम्पल कराए थे आपको और इस पे क्वेश्चंस कराए थे, वही क्वेश्चन उठा के इन्होंने दे दिए। एक क्वेश्चन के अंदर तो बीओडी का पॉइंट है, एक क्वेश्चन के अंदर मटेरियल ट्रांजैक्शन का पॉइंट है, ये है बेटे। तो ये जो तीनों केस आपको दे रखे हैं, ये जो तीनों केस इन्होंने आपको दिए हैं, यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है, यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रिप्रेजेंटेशन है, इसमें मटेरियल ट्रांजैक्शन का केस है, सीधी सीधी बात बताऊं, ये आप पढ़ लेना, मेरे कराए हुए क्वेश्चंस हैं, ये भी एसोसिएट है, ये भी एसोसिएट है और ये भी एसोसिएट है। ये देखो काफी सालों से 90% मटेरियल ये खरीद रहे हैं, मटेरियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, तो शेयर कितने यहाँ पे 15% है लेकिन मटेरियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कहीं पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रिप्रेजेंटेशन जा रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हुए हैं, इन तीनों का आंसर एसोसिएट है, इन तीनों का आंसर एसोसिएट है, इसमें कुछ पढ़ाने लायक है ही नहीं बेटे मेरे पास, मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको इसमें। कहते ये रिलेशनशिप बताओ, एसोसिएट है, एसोसिएट है, एसोसिएट है, तीनों का आंसर ही बी है। ये देखो बी बी बी, एसोसिएट एसोसिएट, इन्होंने स्टडी मटेरियल से तीन क्वेश्चन उठाए, तीनों आपको चिपका दिए, कुछ नया है ही नहीं। अब रह गए दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, ये एमसीक्यू आपको याद रखना पड़ेगा, मेरे लिए भी नया है, इतनी थ्योरी में गहराई में मैं भी कभी नहीं गया, इतना पढ़ा है मैंने। और ये क्वेश्चन सिंपल है, विद रिस्पेक्ट टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट कौन सी है, गलत कौन सी है। कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन बट ऑल्सो इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इवन इफेक्टिव पार्ट ऑफ वाइडर कम्युनिकेशन। तो ये गलत कैसे है, ये तो सही है, स्टैंडर्ड को तो अप्लाई करना ही होता है, रेगुलेशन को भी कंप्लाई करना होता है, ये तो करेक्ट है। डिस्क्लोज कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल टू अवॉइड एनी फर्दर क्रॉस क्वेश्चनिंग इन द माइंड ऑफ द यूजर, ये भी सही है। कहते हैं स्टेटमेंट आपके कंप्लीट होने चाहिए ताकि अगर कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करे तो उसके दिमाग में क्वेश्चन ना आए, अगर कोई फिगर चाहिए तो उसको क्रॉस रेफरेंस मिल जाए उसकी, ये भी सही है। रिड्यूस जेनेरिक डिस्क्लोजर्स एंड फोकस ऑन, ये भी ठीक है, जेनेरिक का मतलब बने बनाए टेम्पलेट, तो रिपोर्टिंग के टेम्पलेट्स को मत यूज करो, उसको कम से कम यूज करो, एक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा यूज करो। डू नॉट डिस्क्लोज द अजम्पशन एंड बेसिस सो दैट यूजर आर नॉट, ये तो इनकरेक्ट है सर। कहते हैं आप अपनी अजम्पशंस और बेसिस को डिस्क्लोज मत करो यूजर्स को, कि जिसके बेसिस पे आपने स्टेटमेंट्स बनाए हैं, डू नॉट डिस्क्लोज, ये गलत है, डिस्क्लोज करना चाहिए अजम्पशंस को। क्या क्वेश्चन बनाया है आपको, इनकरेक्ट ढूंढना है तो जो सबसे खतरनाक लगे वो इनकरेक्ट है आपका, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देख लो आपके जो स्टेटमेंट्स हैं क्रॉस वेरीफाइड होने चाहिए, करेक्ट। जेनरिक को रिड्यूस करो, ये भी करेक्ट। रेगुलेशंस को कंप्लाई करो, ये भी करेक्ट। यूजर्स को मत बताओ कि आपने क्या अजम्पशंस लिए, ये गलत है। ये क्या क्वेश्चन बनाया सर, ये आप देख लेना प्लीज। 15वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोएक्टिव मेजर डू नॉट मिटिगेट साइबर सिक्योरिटी रिस्क। ऐसा कौन सा मेजर है जो साइबर सिक्योरिटी रिस्क को कम नहीं करता, डू नॉट मिटिगेट, मतलब आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिससे आपका साइबर सिक्योरिटी रिस्क बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा,
इंश्योर दैट ऑल पासवर्ड्स आर सिंपल एंड आर नॉट चेंज. यार बताओ पहला पॉइंट ही गलत मिल गया. ये ना सर ऑप्शन है. पासवर्ड ना तो सिंपल होने चाहिए और रेगुलर बेसिस पे बदलने भी चाहिए. ये वो प्रोएक्टिव एक्शन है आपका जिसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी से आप बच नहीं सकते, मतलब साइबर सिक्योरिटी अटैक से आप बच नहीं सकते. अगर आपका पासवर्ड सिंपल है, आप उसको बदलते नहीं है, आपके ऊपर कभी भी साइबर सिक्योरिटी अटैक हो जाएगा. तो ये प्रोएक्टिव मेजर है जो आपको बचाएगा नहीं. ये ऑप्शन नहीं है सर. ये आप देख लेना बेटे, ये एमसीक्यूज है, ये दो क्वेश्चन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे. पेपर में आ जाए तो टिक मार देना. मैं आ गया डिस्क्रिप्टिव में. ये तो सर हमारा पढ़ाया हुआ पेपर है, ये सारे क्वेश्चंस के नंबर लिखे हुए हमने. ये है रिवर्स एक्विजिशन पे. रिवर्स एक्विजिशन इन डीएस 103, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो, ना फिगर चेंज ना अमाउंट चेंज. आप क्लास बुक में जाओ और ये क्लास बुक का है क्वेश्चन नंबर 80, मॉड्यूल नंबर है 5, जिसमें बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन दिया हुआ आपको मैंने. डिट्टो कट कॉपी पेस्ट. कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 14 मार्क्स का तो होगा ही. ये इसमें कंसोलिडेशन करना होता है हमने. हाँ 14 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, देखो. फिर आगे हम 2A में. ये है इंडियस 109, सब्सिडरी कंपनी को इन्होंने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया हुआ है. ऑफ मार्केट टर्म्स है, मार्केट रेट पे डिस्काउंट करेंगे फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट आएगी. ये हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 155 है, कट कॉपी पेस्ट. एसएफएस में क्या अकाउंटिंग होगी, सीएफएस में क्या होगी, सब बताया हुआ. अच्छा जी आगे चलते, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था ये सर. इसका दूसरा ऑप्शन है 2B, इंड एस 24. इंड एस 24 क्वेश्चन नंबर है 22, क्लास बुक का करवाया हुआ क्वेश्चन है सर. ये है इंड एस 108, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 16 करवाया हुआ सर. इसमें ये बताना था कि एनुअल रिपोर्टिंग में आप फीफो यूज करते हैं या एवरेज यूज करते हैं, तो सेगमेंट रिपोर्टिंग में आप कोई दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं क्या, डिस्कस किया हुआ हमने. फिर आ गया 3A. 3A किस, कैश फ्लो. ये मैं बना के दिखाता हूँ कैश फ्लो. वैसे मैं होमवर्क में दे सकता हूँ आपको, कुछ है नहीं, पर मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए बता दूंगा अभी. 3B इंडियस 19, क्लास बुक का है ये क्वेश्चन नंबर 30. डिट्टो कट कॉपी पेस्ट, फिगर भी सेम, कुछ है ही नहीं बताने को मेरे पास. फिर आगे जी 4A में इंडियस 12, ये वही है सब्सिडरी में अगर प्रॉफिट है तो उस पर आपको डेफर टैक्स नहीं निकालना, क्योंकि आप उसके डिविडेंड पॉलिसी कंट्रोल कर सकते हैं. एसोसिएट से प्रॉफिट में शेयर आएगा तो उस पर डेफर टैक्स निकालना है, क्योंकि आप उसकी डिविडेंड पॉलिसी. ये वही क्वेश्चन है क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 22. पिछला कौन सा था? हाँ 30 था ना, ठीक है. इंडियस 12 क्वेश्चन नंबर 22, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो, ना फिगर चेंज ना लाइन चेंज ना नाम चेंज, सब कुछ सेम है. मेरा करवाया हुआ सर. अगर फिगर भी चेंज होते मैं करा देता आपको. फिर इसका बी पार्ट, फोर्थ का बी, इंडिया 115, ये क्लास में अनंदम के नाम से था. टिट्टो सिर्फ नाम बदले, फिगर सेम है. क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 116, 5A, इंडियस 101, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन. और ये क्लास बुक का है क्वेश्चन नंबर 20, डिट्टो कट कॉपी पेस्ट, मेरा क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है. फिर आ गया जी 5B. 5B में आपको कराता हूँ, ये लीज वाला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये. 6A, लो भाई साहब ये तो किया हुआ क्वेश्चन है. आपको मैंने मॉड्यूल नंबर 7 में एक चैप्टर दिया था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें केस स्टडीज कराए थे आपको इंडियस वाले. तो ये हमारा केस स्टडी नंबर कौन सा केस स्टडी है, 5,
कट कॉपी पेस्ट, ना फिगर चेंज ना अमाउंट चेंज, ना नाम को बदला हुआ इन्होंने। फिर इसका बी, लो जी एथिकल ड्यूटी। मैंने आपको एथिकल ड्यूटी स्टडी मैट से कराया था, स्टडी मैट के क्वेश्चन ही क्लास में है, तो ये क्लास बुक का है क्वेश्चन नंबर 7। डिट्टो कट कॉपी पेस्ट, स्टडी मैट से उठा के दे दिया है। ये आपको मैंने सारी एमटीपी चेक करा दी है, अब मैंने दो क्वेश्चंस कराने हैं बेटे आपको, सिर्फ दो क्वेश्चन, एक कैश फ्लो वाला और एक लीज वाला, फिर एमटीपी खत्म हो जाएगी और निपटाते हैं। मैं कैश फ्लो पे आता हूँ सबसे पहले। ये तो इंटर का बच्चा भी कर लेगा, पर मुझे कराना पड़ेगा, नहीं तो आपको लगेगा सर ने कराया नहीं। कैश फ्लो कैश फ्लो कैश फ्लो कैश फ्लो, ये रहा सर कैश फ्लो। वैसे ये क्वेश्चन है तो इंटर का ही। और ये बेटा इन्होंने आंसर में कुछ गलती कर रखी है, मैं आपको बताता हूँ, मेरे को मैसेज मत करना प्लीज व्हाट्सएप के ऊपर। ये इन्होंने इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बनाई है। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये बेटे इंटर में पढ़े जाते हैं, क्यों? सीए फाइनल में आपको पता है इन डेज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक्सेप्शनल आइटम्स का कॉन्सेप्ट है, इन डेज वन में हमने पढ़ा था, शेड्यूल थ्री में भी पढ़ा था पीएनएल के फॉर्मेट में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, इन डेज एट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हटा दिया गया। ये कैश फ्लो में दिखा रहे हैं बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये इंटर का आंसर है और इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना। तो जो आंसर मैं आपको दे रहा हूँ वो बना के आ जाओगे, नंबर मिल जाएंगे। वैसे तो ये पेपर में आएगा नहीं, इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा नहीं, पर ये प्रेजेंटेशन मत प्लीज मेरे को व्हाट्सएप मत करना प्लीज। मैंने एक रफ फॉर्मेट बनाया, नोटिंग वोटिंग मत करना, आंसर ठीक है इनका, वैसे फिगर चेक कर लेना प्लीज। मैंने लिखा जी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड से बनानी है, कोई बात नहीं बना देते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग, मैं रफ में बना रहा हूं ताकि मैं थोड़ा सा टाइम बचा दूं, आपका एग्जाम का टाइम है बेटे, बात को समझ नहीं है, सिर्फ नोटिंग वोटिंग आपने क्लास में बहुत की है। हम ओपनिंग ऐड कर देंगे तो क्लोजिंग आ जाएगा। आओ सर, मैं इस क्वेश्चन में नेट सेल्स इसको पढ़ूंगा लेकिन इसको लिखूंगा नहीं, क्यों? सेल्स डेटर्स के ओपनिंग क्लोजिंग में एडजस्ट हो जाते हैं, आपको पता है ना, इनडायरेक्ट मेथड में हम वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट लिखते हैं, उसमें लिखते हैं चेंजेस इन डेटर्स, सेल अपने आप कलेक्शन बन जाती है। ये क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग अपने आप आ जाएगा। डेप्रिसिएशन ये नॉन कैश है, इसको मैं एडबैक करूंगा, ये नॉन कैश है, ये वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा, ये अपने आप वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। सैलरीज एंड वेजेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों वर्किंग कैपिटल में आएंगे, क्यों? प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ओपनिंग क्लोजिंग। तो सेल डेटर से देख लेते हैं, परचेज क्रेडिटर से देख लेते हैं, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग प्रीपेड से देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, इसको हम एडबैक कर देते हैं। फिर आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स, 880। प्रोविजन फॉर टैक्स एडबैक करेंगे और टैक्स पेड माइनस करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। हम इसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट 1, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। बैलेंस शीट देखना बेटे जरा, ये इनकम टैक्स पेबल है, तो मैंने बनाया वर्किंग नोट 1, मैं यही बना देता हूँ, पीएफटी अकाउंट बनाया मैंने, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोज। प्रेजेंटेशन नहीं है ये रफ प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन वो जो क्लास में सीखा था आपने, 120 का ओपनिंग है,
132 का क्लोजिंग है, P&L से आया 880, तो टोटल हो गया 10 लैक्स। 10 लैक्स पेमेंट आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर 868। तो मैं ऐड बैक कितना करूंगा 880, लेस कितना करूंगा 868, और टैक्स पेड लास्ट आइटम होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, आपको पता ही इस बात का। पहला वर्किंग नोट हो गया। फिर मेरे पास आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये मेरा पीएटी है। कितना पीएटी है? 720 का पीएटी है। लेकिन इन्होंने एक एक्सेप्शनल आइटम दे रखा आपको, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, तो ये बन गया 840। तो मैं क्या करूंगा, इस प्रॉफिट को लूंगा, मैं तो नेट प्रॉफिट 840 लूंगा और उसमें से 120 माइनस करके दिखाऊंगा। क्यों? लॉस ऑन सेल एडबैक होता है, प्रॉफिट ऑन सेल माइनस होता है, तो 120 का प्रॉफिट है, मैं इसको छोड़ूंगा थोड़ा ना, एक्सेप्शनल आइटम है ये, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 840 को लेना चाहिए। फिर ये ब्रॉड फॉरवर्ड, ये कहानी खत्म। क्यों? मुझे नहीं चाहिए, ये तो एप्रोप्रिएशन स्टार्ट हो गए, करंट ईयर के प्रॉफिट में ओपनिंग बैलेंस ऐड कर रहे हैं, डिविडेंड पेड माइनस कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें तो बस ये यहां से शुरू करना है। तो मैं कैश फ्लो लिखना शुरू करता हूं, नेट प्रॉफिट 840 है, मैं प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करूंगा इसमें 880, ये मेरा पीबीटी आ गया 16, 17, 20, यही है ना, 840 प्लस 880, बिल्कुल ठीक है जी। अब मैं इसमें से माइनस करूंगा एक्सेप्शनल आइटम, बिल्कुल चलो लास्ट में माइनस कर लेंगे। आप मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन बताओ कितना है, 6 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन है। मैं बिल्कुल लास्ट में लिखूंगा टैक्स पेड, ये मेरा वर्किंग नोट 1 है, 868000, और इसके ऊपर लिखूंगा मैं एक्सेप्शनल आइटम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना 120 लेस करके लिखूंगा मैं, प्रॉफिट को लेस कर दिया हमने। अब ये प्रॉफिट हुआ है तो सेल की बात हुई है, मैं बैलेंस शीट में गया, ये रहा सर पीपीई, इसमें है बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट मैंने बनाया, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट अकाउंट, इसका ओपनिंग कितना है 36, इसका क्लोजिंग कितना है 5760। मैं अगले पेज पे गया, मुझे मिला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट पे लो 12 लाख और 13 लाख 20 हजार। एक मैंने बनाया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ओपनिंग है 12 लैक्स और क्लोजिंग है 1320। चले आगे, आगे मुझे क्वेश्चन कह रहा था द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज 720। आपको यहां पे एक एंट्री पास करनी चाहिए डिस्पोजल 720, 7 लाख 20 हजार मैंने बनाया डिस्पोजल अकाउंट, मैंने बनाया यहीं पे डिस्पोजल अकाउंट, और 7 लाख 20 हजार मैं यहां ले आया। प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया 120 का, मैंने प्रॉफिट यहां लिख दिया। अब मुझे ये नहीं पता मेरा सेलिंग प्राइस कितना है, अभी 2 मिनट में निकाल देता हूं, चेक करो। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कहां से पता लगेगा? पी एंड एल से, 6 लाख रुपए का था, अभी चेक किया था हमने, ये रहा डेप्रिसिएशन 6 लाख रुपए का। क्या एंट्री पास होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मैंने लगाया टोटल ये बन गया 18, मैंने लगाया टोटल ये बन गया 18, तो 480 कहाँ गया? 480 डिस्पोजल में गया होगा क्योंकि आपने सेल किया होगा, ये 480 यहाँ आ गया पीएफडी के नाम से। तो फिर सेलिंग प्राइस कितना होगा? 240 नहीं, सेलिंग प्राइस कितना होगा? 720 की कॉस्ट है, 480 का प्रोविजन है,
तो 2.40 की आपकी बनती है WDV, 1.20 का प्रॉफिट हो गया, तो 3.60 में बेचा होगा आपने। 7.20 की ओरिजिनल कॉस्ट है, 4.80 का डेप्रिसिएशन है, 2.40 की WDV है, 1.20 का प्रॉफिट बता रहा है, तो 3.60 में बेचा होगा। सेलिंग प्राइस आपका 3.60 आ गया, बैलेंसिंग फिगर। और ये सेलिंग प्राइस कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में, वो तो जोड़ दिया हमने। इसका हमने लगाया टोटल, बताओ परचेज कितनी आ रही है? 7.20 प्लस 57.60, ये आ रहा है 64.80 माइनस 36, तो ये आ रहा है 28.80 की परचेज। ये भी इन्वेस्टिंग में जाएगा, 28.80 की परचेज है, 3.60 की सेल है, 1.20 का प्रॉफिट लेस हो गया, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। मैं यहाँ चला गया, यहाँ लिखा मैंने सेल ऑफ इक्विपमेंट कितना था, 3.60, और परचेज कितना था, 28.80। डेप्रिसिएशन ऐड हो गया, प्रॉफिट लेस हो गया, कहानी खत्म हो गई, टैक्स भी हो गया। क्या क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में एक हिडन इंफॉर्मेशन थी, वो देखना चाहता था कि आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना आता है कि नहीं आता। इंटर में इतने क्वेश्चन कर रखे हैं यार, अभी इंटर का क्वेश्चन है ये। अच्छा और क्या रह गया, आओ जरा, ये सारी वर्किंग हो गई। शेयर कैपिटल बताओ कितने का इश्यू हो रहा है? 8.40 का इश्यू हो रहा है सर। लिखो फाइनेंसिंग में इश्यू ऑफ कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 8.40, कैपिटल हो गई। P&L हम कर चुके, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। करंट लायबिलिटी देखो, ट्रेड पेबल 24 लाख से कम हो गए हैं। अगर करंट लायबिलिटी कम होगी तो पेमेंट है, बढ़ेगी तो उधार है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 60,000 का। मैंने लिखा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, यहाँ लिखा क्रेडिटर, 60,000 रुपये लेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये बढ़ रहे हैं, 2.40 प्लस। करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो उधार माना जाता है, प्लस हो गया। इनकम टैक्स हो चुका, ये हो चुका, इसके पीछे चलो। लैंड 4.80 की 9.60 हो गई, लैंड डेप्रिशिएबल तो होती ही नहीं, लैंड बढ़ रही है, परचेज की होगी 4.80 की। इन्वेस्टिंग में लिखो परचेज ऑफ लैंड, 480 की परचेज है, और तो कोई रीजन ही नहीं है। करंट एसेट्स में क्या है? कैश, कैश का ओपनिंग क्लोजिंग है 6 लाख और 7.20, इसका ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख, इसका क्लोजिंग बैलेंस है 7.20। मुझे तो क्वेश्चन में कुछ लग नहीं रहा बेटे। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आपकी बढ़ रही है कितने से? 16.80 माइनस 18.60, 1.80 से। लिखो वर्किंग कैपिटल में स्टॉक लेस। इन्वेंट्री के बाद क्या भाई साहब? डेटर, डेटर आपके कम हो रहे हैं, 16.80 प्लस हो जाएगा, 16.80 प्लस कर देते हैं। और क्या रह गया? एडवांसेस, ये भी बढ़ रहे हैं 12,000 से। करंट असेट्स बढ़ेंगे तो आउटफ्लो। एक चीज रह गई सिर्फ, सारा कुछ हो गया, और वो है डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में लिखो डिविडेंड पेड, बाकी सब हो गया सर 720। लगाओ इसका टोटल 120 पॉजिटिव, इसका लगाओ जी टोटल 28.80 प्लस 4.80 माइनस 3.60, 30 लाख रुपए नेगेटिव परचेज किया हमने। ठीक है जी, ऊपर चलते हैं। 840, 880, फिर 6 लाख रुपए प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे 60,000, प्लस करेंगे 2.40, फिर माइनस करेंगे 180, प्लस करेंगे 1680, माइनस करेंगे 12,000, माइनस करेंगे 120, माइनस करेंगे 868, ये आ जाएगा 30 लाख। 30 लाख प्लस
30 लाख माइनस, ये तो कट गए, ये आ गया 120 पॉजिटिव, 120 पॉजिटिव, कैश फ्लो आपकी मैच हो गई। बच्चों वाला क्वेश्चन है, मैं नहीं भी करा था तो भी आप कर लेते, कुछ नया तो है ही नहीं इसके अंदर, करा दिया बेटे आपको बस। मैंने एक क्वेश्चन रह गया इस एमटीपी में करवाने वाला, ये देखो सही है क्या, ये रही 30 है, ये भी 30 है और ये 120 है, कैश फ्लो मैच हो गई, इसको छोड़ो। अब वो लीज वाले क्वेश्चन में आओ, ये रहा जी लीज वाला क्वेश्चन। काफी लेंथी क्वेश्चन है, आंसर बहुत आसान है इसका, आंसर में बिल्कुल भी जान नहीं है इसके। मैंने भी जब ये क्वेश्चन पढ़ा मुझे लगा यार इतना लेंथी क्वेश्चन बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करूंगा, 10 मार्क्स का है। आपको एनालाइज करना है कॉन्ट्रैक्ट को जो आपने राधे के साथ किया है, राधे के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो लीज का कॉन्ट्रैक्ट है, अभी हम चेक करेंगे उसकी कंडीशंस को। फिर कहता है जी एंट्रीज पास करके दिखाओ हमें पहले साल की इंडियस के हिसाब से, वर्किंग नोट्स भी करके दिखाओ, और ये मानो कि जितने कैश फ्लोज हैं वो साल के एंड में होते हैं। आमतौर पर हम जो लीज रेंटल है एडवांस में मानते हैं 116 में, अब एंड कह दिया तो एंड मान लेंगे हम। मैं जरा क्वेश्चन शुरू करता हूं, फील फ्रेश लिमिटेड, फील फ्रेश लिमिटेड क्या नाम है जी कंपनी, इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेलिंग ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन द इंडिया। जैसे नाइका नहीं है कॉस्मेटिक्स के लिए, एक कंपनी बता रहे हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा के बैठे हैं, ठीक है। वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स इज बाथिंग सोप। सर अब जतिन पढ़ने यूके चला गया, अब सर हम देसी बंदे, हमारी इंग्लिश भी ठीक ठाक, कोई ज्यादा हाई फाई इंग्लिश हम बोलते नहीं, बेदिंग वहां के लोगों का एक्सेंट ही अलग है, समझ ही नहीं आती बातें, हम तो बातें ही बोलते हैं शुरू से, सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए। कॉन्वेंट की हमारी एजुकेशन नहीं है सर। वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स इज बाथिंग सोप विच द कंपनी सेल्स अंडर द ब्रांड नेम फील फ्रेश। ओके, इनकी सर कोई सोप आती है और उसका नाम है फील फ्रेश, ये उसमें डील करते हैं, तो साबुन बनाने की फैक्ट्री लगा रखी होगी इन्होंने, देखते हैं। द कंपनी डज नॉट हैव इट्स ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज फॉर द सोप। खुद प्रोड्यूस नहीं करते, किसी से प्रोड्यूस करके ठप्पा लगा के बेच देते हैं, यही चल रहा है इंडिया में आजकल। एंड देयरफॉर इट एंटर्स इनटू अरेंजमेंट विद अ थर्ड पार्टी टू प्रोक्योर दी सोप्स। इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को बोल रखा है, थर्ड पार्टी क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं, एक तो कंपनी होगी फील फ्रेश, एक इसका कस्टमर हो गया, एक वो वेंडर जिससे बनवा रहे हैं, ये बना के वो देगा। The company entered into a long-term purchase contract of 10 years with Messrs. Radhe. एक कंपनी है सर राधे, उनको हमने 10 साल के लिए contractual obligation में बांध लिया और हमने उनको बोला कि आने वाले 10 साल तक हम आपसे shops खरीदेंगे, तो factory कौन लगाएगा, राधे। साबुन कौन बनाएगा, राधे राधे राधे। आप अगर भगवान अगर थोड़ा सा एनालाइज करें तो हर देवी के हाथ में वेपन है, आप माता का कोई भी रूप देखें तो माता के हाथ में आपको वेपन मिलेगा, ठीक। राधे राधे, राधा माता के हाथ में वेपन नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं, राधे राधे। बाकी सब देवियों की पूजा बहुत कठिन है जी, लेकिन कहा जाता है ऐसा
जो वृंदावन में मैंने सुना है लोगों से कि राधे माँ की जो तपस्या बहुत आसानी से सफल हो जाती है। तो आपने देखा होगा वहाँ रिक्शे वाला, खाने वाला, चाय वाला, राधे 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 राधे, कहते भगवान कृष्ण तक पहुँचना तो यही एक रास्ता है। अपना बिलीफ है सर, अपना विश्वास है। भगवान तक पहुँचने के 108 रास्ते हैं। हम जो माला फेरते हैं उसमें 108 मन के हैं, टोटल आता है 9। ग्रह कितने ऊपर? 9 ग्रह, 9। बच्चे को पैदा होने में लगते हैं 9 महीने। नंबर होते हैं 1 to 9। 10वां तो हमने बनाया है 10 लगा के, भगवान की तरफ से तो 1 to 9 का सिस्टम है। ये जो 9 का आंकड़ा है ना सर, ये चलता रहता है सर। फैक्ट्री कौन लगाएगा? राधे। सोप कौन बनाएगा? राधे। और खरीदेगा कौन? फील फ्रेश। ओके, आके चलते हैं सर फर्स्ट पॉइंट में। मैसर्स राधे हैज टू परचेज अ मशीन कॉस्टिंग 10 लाख रुपीज फ्रॉम द सप्लायर एज स्पेसिफाइड बाय द कंपनी। राधे एक मशीन खरीद के लाया 10 लाख रुपए की, क्योंकि वो हमारे लिए साबुन बनाएगा 10 साल तक, ठीक है। द मशीन विल बी कस्टमाइज टू प्रोड्यूस द सोप्स एज डिजाइंड बाय द कंपनी। ध्यान रखना, मशीन कस्टमाइज होगी फील फ्रेश के हिसाब से, क्योंकि सोप इनके हिसाब से बन रही है। तो राधे जो मशीन खरीद के लाया है वो इसके काम आएगी, कस्टमाइजेशन इसका चलेगा। घंटी बज जानी चाहिए कुछ, मैं अभी बंद नहीं करूंगा बोलना, बोलता रहूंगा, सुनते रहना आप। मशीन उसने खरीदी, कस्टमाइजेशन इसका है, और 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 10 साल की लाइफ है मशीन की। मैं आगे चेक करता हूँ। दिस मशीन कैन नॉट बी यूज बाय राधे टू प्रोड्यूस दी सोप्स फॉर दी बायर अदर देन दी कंपनी ड्यू टू डिजाइन स्पेसिफिकेशन। ये मशीन सिर्फ इनके काम आएगी और किसी के काम नहीं आएगी। तो इस मशीन का सारा बेनिफिट इनको मिलेगा, एसेट्स के सारे बेनिफिट फील फ्रेश को मिलेंगे, कस्टमाइजेशन फील फ्रेश का है। पैसा किसने लगाया? राधे ने लगाया, ठीक है। द मशीन हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, कॉन्ट्रैक्ट भी 10 साल का, मशीन की लाइफ भी 10 साल, तो मशीन की पूरी लाइफ इनके काम आएगी, मेजर पार्ट ऑफ यूजफुल लाइफ। एंड द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज बेस्ट सूटेड कंसिडरिंग यूज ऑफ मशीन। तो डेप्रिसिएशन का बेस्ट मेथड बता रहे हैं SLM, वो देखते हैं आगे। पहले पॉइंट से क्या पता लगा? पहले पॉइंट से इतनी बात की नॉलेज हो गई कि मशीन खरीदी है राधे ने, कस्टमाइजेशन है फील फ्रेश का, लाइफ है 10 साल, 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट है, सारे बेनिफिट इसको मिलेंगे, और अगर ये एसेट इसके काम नहीं आई तो किसी के काम नहीं आएगी, तो कस्टमाइजेशन है इसके अंदर। अच्छा, पैसे वो लगा रहा है, बेनिफिट ये ले रहा है। तो लीज में भी तो यही होता है, पैसा लगाता है लेसर, बेनिफिट लेता है लेसी, उसमें भी तो ये होता है, फाइनेंसिंग एग्रीमेंट होता है वहां पे। चलो आगे चलते हैं, अभी तो साबुनों की बातें हो रही हैं, मैं सेकंड पॉइंट में आ गया। द कंपनी विल पे 4.75 पर सोप फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 4.75 रुपए देगा साबुन के। दिस इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द बजटेड परचेज ऑफ 7 लाख सोप्स एज फॉलोस। वो कहता है मैं आपसे 7 लाख यूनिट खरीदूंगा 4.75 रुपए के हिसाब से, और ब्रेकअप बता रहे हैं 4 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, 25 पैसे मशीन के ले रहा हूं, 25 पैसे मशीन के। ये 1,74,015 रुपए कैसे आए? अगर 10 लाख की मशीन है और 10 साल बता रहा है ये, तो 1 लाख रुपए पर एनम का डेप्रिसिएशन बनता है, तो डेप्रिसिएशन को 7 लाख से डिवाइड करता तो बात समझ में आता। ये कहां से ले आया फिगर पता नहीं, कॉस्ट ऑफ मशीन कहां से ले, देखते चलो अभी बताएगा कहीं ना कहीं। ये इसका डेप्रिसिएशन है जी, ये इसका प्रॉफिट मार्जिन है, और इसको इतने पैसे चाहिए पर सोप, और क्वांटिटी कितनी है? 7 लाख है, ठीक है। इन केस द कंपनी परचेजेस मोर देन 7 लाख, अगर ये 7 लाख से ज्यादा खरीदेंगे तो सोप्स इन द फर्स्ट ईयर देन कॉस्ट ऑफ मशीन 25 पैसा पर सोप विल नॉट बी पेड फॉर द सोप्स प्रोक्योर्ड इन एक्सेस ऑफ 7 लाख, ठीक है। अगर आपकी साबुनें 7 लाख से ज्यादा खरीदी जाएंगी तो फिर जो रेट है वो 4.5 हो जाएगा, ये हम आपसे दोबारा चार्ज नहीं करेंगे। तो
तो जो डेप्रिसिएशन का पैसा है ये 7 लाख से हिसाब से सेट किया हुआ है, अगर इससे ज्यादा ऑर्डर करोगे ये दोबारा से नहीं देना आपने, तो रेट हमारा 4.5 रुपए हो जाएगा, 25 पैसे डेप्रिसिएशन के काट देंगे। तो 7 लाख तक रेट हमारा 4.75, उससे ऊपर 4.5 रुपए, मेरे को बात समझ में आ रही है। लेकिन हाउएवर इन केस कंपनी प्रोक्योर्स लेस देन बस्टर्ड नंबर, अगर 7 लाख से नीचे गए तो जो कंपनी है इसको डिफरेंशियल अनअब्सॉर्ब्ड कॉस्ट देनी पड़ेगी। मतलब एग्जांपल भी दे रहा है कि अगर कंपनी ने मान लो 6 लाख साबुने खरीदी हैं, 6 लाख साबुने खरीदी हैं, अगर कंपनी 6 लाख साबुने खरीदती है और 25 पैसे आप चार्ज कर रहे हो डेप्रिसिएशन के, तो आपके 1.5 लाख रिकवर हो पाएंगे, लेने आपने इतने हैं, तो इसका जो डिफरेंस है 24,015 रुपए, ये आपको डिफरेंशियल देना पड़ेगा, ये अलग से देने पड़ेंगे। क्यों? अनअब्सॉर्ब्ड है। साबुन ज्यादा खरीदोगे तो रेट कम कर देंगे, कम खरीदोगे तो डेप्रिसिएशन के पैसे आपको देने पड़ेंगे। अब मुझे एक बात बताओ यार, छोटी सी, आपको नहीं लगता कि मशीन के सारे पैसे हमने चार्ज कर लिए? 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 10 साल की लाइफ है, डेप्रिसिएशन आपने कॉस्ट में जोड़ लिया, तो क्या मशीन के सारे पैसे आपको नहीं लग रहा कि फील फ्रेश दे रहा है? और अगर मशीन के सारे पैसे हमने चुका दिए तो मेजर पार्ट ऑफ यूजफुल लाइफ हमारा, कस्टमाइजेशन हमारा, राइट डायरेक्ट सारे बेनिफिट हमारे, मशीन की कीमत हम चुका रहे हैं, तो फिर मशीन राधे ने क्या खरीदी? पैसे तो हम दे रहे हैं, तो मशीन तो हमारी लीज पे है, पैसे उसने लगाए हैं, पैसे हम दे रहे हैं। वो कह रहा है जी मेरे को 1 साल में इतने पैसे दे दो, 7 लाख के हिसाब से रेट सेट कर दिया, इससे ऊपर जाएंगे तो छोड़ दूंगा, इससे कम जाओगे तो मैं डिफरेंस ले लूंगा आपसे। तो फिर तो मशीन के पैसे चार्ज करने वाली बात हो गई ना। ये देखो ना, कहता मैं आपसे डिफरेंशियल अमाउंट ले लूंगा, विल बी पेड बाय द कंपनी टू मैसेज राधे एट द एंड ऑफ ईयर, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो जितनी होगी उतनी होगी, वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपए है, 6 लाख सोप खरीदे, वेरिएबल कॉस्ट में एक्चुअल चार्ज करूंगा लेकिन डेप्रिसिएशन पूरा लूंगा आपसे। तो मशीन के पैसे पूरे मांग रहा है, वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती रहेगी, तो मशीन के पैसे अगर हम नहीं देने हैं सारे, ऑर्डर कम होंगे या ज्यादा होंगे, मशीन के सारे पैसे हम नहीं देने हैं, तो फिर तो लीज है, मशीन को बाहर निकालो, फिर तो सोप आपकी जो है ये लो, मैं तो सोप को 4.5 रुपए का मानता हूं, और जो 25 पैसे आप दे रहे हैं, 25 पैसे वो फिक्स है, वो देने पड़ेंगे आपको, तो वो तो फिर आपका मैं लीज की अकाउंटिंग करूंगा, मैं तो ये बोलूंगा मशीन मैंने लीज पे ले रखी है, मैं उसके पैसे दे रहा हूं। फिर तो 10 लाख रुपए की जो आपने खरीदी है एसेट, मैं तो उसकी रिकॉर्डिंग करूंगा सर। चलो आगे चलता हूं, क्या कहता है क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन के सर थर्ड पॉइंट में आ गया, द कॉस्ट पर सोप विल बी कैलकुलेटेड फॉर ईच ईयर इन एडवांस बेस्ड ऑन द बजटेड नंबर ऑफ सोप्स टू बी प्रोड्यूस्ड ईच ईयर, हर साल की परचेज के हिसाब से कॉस्ट रिवाइज करेंगे, ठीक है, एन अमाउंट ऑफ दिस शैल बी कंसिडर्ड ईच ईयर फॉर द कॉस्ट ऑफ मशीन व्हाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ पर सोप। लो कर लो बात, 1,74,015 रुपए चार्ज कर रहा है ये हमसे, हमने बोला यार ये क्या बात हुई, 10 लाख की मशीन है, आप इसको 10 से डिवाइड करो, 1 लाख रुपए तुम्हारा डेप्रिसिएशन बनता है, तुम हमसे ले रहे हो ये, तो वो कहता है मशीन मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है, तो ब्याज कौन देगा उसका, पेमेंट तो बहुत ज्यादा जा रही है ये, 1 से लेके 8 साल तक 1,74,015 × 8, मैंने कितने पैसे दे दिए इसको, मैंने इसको दे दिए 13,92,120 रुपए, मशीन 10 लाख की है यार, तो ये एक्स्ट्रा पैसे किस चीज के ले रहा है, ब्याज के ले रहा है सर, और ये ले रहा है 1 to 8, और फिर मुझसे कहता है फॉर द ईयर 9 and 10 सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होगी और मार्जिन होंगे, 9th और 10th ईयर में पैसे छोड़ दिए इसने, तो एसेट की लाइफ है 10 साल, लेकिन ये तो 8 साल में रिकवर कर गया सारे पैसे अपने, तो आपको 8 साल तक ये देना पड़ेगा सर, ये तो ब्याज लगा लगा के पेमेंट जा रही है, फिर बिना ब्याज के तो 1 लाख ही है, ब्याज के साथ इतनी अमाउंट है भाई साहब, एसेट कस्टमाइज किसने कराई है, फील फ्रेश ने, उसके सारे बेनिफिट
फील फ्रेश के पास। और पेमेंट भी कौन कर रहा है? फील फ्रेश। तो आप मशीन की अकाउंटिंग करो लीज की तरह, बाकी 4.5 रुपए की अकाउंटिंग करो कॉस्ट की तरह। और लिखा भी हुआ है एनी डिफरेंशियल अंडर अनएब्जॉर्ब्ड शैल बी पेड बाय द कंपनी टू मैसर्स राधे एट द एंड ऑफ ईयर अ चार्ज ऑफ दिस पर एनम फिक्स। ये जो हमने ये रेट सेट किया है 8% ब्याज ले रहे हैं आपसे, तो 10 लाख रुपए का 8% 80,000 रुपये पहले साल में ब्याज ले लिया हमने। तो अगर आप मेरे से प्रैक्टिकली पूछें तो मैं आपको एंट्री पास कराऊंगा आरओयू डेबिट टू लीज लाइबिलिटी 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए। दूसरी एंट्री पास कराऊंगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी 80,000 रुपये 8% के हिसाब से। मैं तीसरी एंट्री पास करूंगा लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,74,015 1,74,015। ये एंट्रीज बनती हैं भाई। मशीन हमारी, पैसे हम दे रहे हैं, अगर ऑर्डर कम रह जाते हैं तो डिफरेंशियल ले लेता हमसे, फिर तो हम एसेट हमारी हो गई। अगर वो डेप्रिसिएशन को कॉस्ट में जोड़ता ना तो मैं यूनिट की कॉस्ट में ले लेता, वो तो ब्याज लगा के ले रहा हमसे पैसे यार। वो कह रहा तुम्हारे लिए लिए मैंने मशीन, मशीन के पैसे भी ले रहा है ब्याज के भी ले रहा है, फिर मशीन हम लीज पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो 4.75 की जगह 4.5 ही समझो आप, 4.5 25 पैसे तो डेप्रिसिएशन है ही नहीं, वो तो लीज के पैसे ले रहा हमसे। तो अगर हम उससे बात करें परचेज की, तो मैं एक एंट्री पास कर दूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक 7 लाख यूनिट खरीदे मैंने और 4.5 रुपए के हिसाब से, तो 7 लैक्स इंटू 7.1 लो जी 31,50,000 की मैं परचेज डाल दूंगा। मैं 4.75 मानूंगा नहीं, 4.5 रुपए मानूंगा। ये क्वेश्चन है बेटे, मैं आपके ऊपर एक बार आगे पढ़ता हूँ आगे क्या कहते हैं क्वेश्चन फोर्थ पॉइंट में। मैसर्स राधे डज नॉट हैव एनी राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बट द कंपनी हैज द राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। राधे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, नॉन कैंसिलेबल लीज है। हाउएवर इफ द कंपनी टर्मिनेट्स द कॉन्ट्रैक्ट इट हैज टू कॉम्पनसेट मैसर्स राधे अनएब्जॉर्ब्ड। देखने से लग रहा था कि राधे कैंसिल नहीं कर सकता, हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ अगर हम कैंसिल करेंगे तो मशीन के पूरे पैसे देंगे उसको, ये कॉम्पनसेशन है उसका। तो मशीन के पैसे से छुटकारा तो मिलना ही नहीं, आपको देने पड़ेंगे। आप कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करो छोड़ो, उसको आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। अगर कंपनी टर्मिनेट करती है तो इसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा राधे को अनएब्जॉर्ब्ड कॉस्ट के लिए। उसको उसका एग्जाम्पल बता रहे हैं कि मान लो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करती है सेकेंड ईयर के एंड में, एक साल निकल गया 2 साल निकल गया, अगर दूसरे साल के एंड में हम टर्मिनेट करेंगे तो 1,74,015 6 साल ये देने पड़ेंगे आपको। तो टोटल 8 साल का पीरियड है, 2 निकल गया 6 के बराबर, तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। भैया नॉन कैंसिलेबल लीज इसके लिए भी है, हमारे लिए भी, हमारे लिए भी है। मैं तो मशीन के पैसे देने के लिए बाउंड हूँ, उसने मशीन खरीदी है मेरे लिए, मशीन के पैसे मेरे को ही देने पड़ेंगे, तो ये लीज ही समझो आप। पैसे उसने लगाए, पेमेंट मैं कर रहा हूँ किश्तों में, यही आपका फाइनेंस लीज होता है। इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया सर इसने। इन द फर्स्ट ईयर कंपनी परचेजिंग, अच्छा 5.5 लाख खरीदे हैं, ओके मैं यहाँ एंट्री पास करा रहा था आपको, ये 5.5 लाख खरीदे हैं तो मैं 4.5 के हिसाब से रिकॉर्ड कर दूंगा। 5.5 लाख साबुने 4.5, 4.75 नहीं लेना, 25 पैसे तो लीज के ही हैं, तो मैं इसको ले लूँगा 2,475,000। बहुत बढ़िया लगा जी मुझे क्वेश्चन। ये लीज की डेफिनेशन लिखनी है, क्या यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है? है। क्या इसमें लेसी के हिसाब से सब कुछ हो रहा है? हाँ। फील फ्रेश के हिसाब से मशीन आई है, फील फ्रेश का कस्टमाइजेशन है, फील फ्रेश के अकॉर्डिंग ही वो माल बना रहा है और सारा बेनिफिट इसी को मिलेगा। वो तो आपसे मशीन के पैसे मांग रहा है बस, आपसे एक वेरिएबल कॉस्ट मांग रहा है, एक मार्जिन मांग रहा है आपसे। ये इसका आंसर है बेटे, मैंने इसकी जब आरटीपी का आंसर देखा, ये देखो ये पहले इसने कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई किया, एसेट को आइडेंटिफाई किया, थ्योरी लिखी हुई है। मैं इसके एंट्रीज में आ गया, ये देखो ये बेटे पढ़ लेना आप, देख लेना क्वेश्चन समझा दिया मैंने, पूरी एमटीपी हो गई है और भूल चूक लेनी देनी। एम टी पी 2 आएगा,
मैं आपको रिकॉर्ड करके दूंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।